तो हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 3। हाँ, और मैं अपने रूम पे हूँ। मेरे को अचानक भानगढ़ के किले का याद आ गया। एक्चुअली मैंने भानगढ़ के किले के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है दोस्तों, और मुझे इस जगह पे जाना है। मैंने सुना है कि ये हॉन्टेड प्लेस है और ये राजस्थान में है, मुझे इतना पता है। तो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा महल है यार। राजस्थान के बाद शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे इतने सारे हिस्टोरिकल महल होंगे। मुझे तो नहीं पता, शायद महाराष्ट्र है, पर पता नहीं, हो सकता है। लेकिन मैं भानगढ़ के किले के बारे में हमेशा वीडियोस देखते आया हूँ और मुझे जगह जाना है यार। लेकिन पैसों की तंगी यार, पैसे ही नहीं है मेरे पास। मुझे जाना है यार, मुझे जाना है, मुझे राजस्थान एक न एक बार जाना है, और इस जगह पे तो एक बार जरूर जाना है। और जो भी इंडिया से वीडियो देख रहा है, तो प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझे भानगढ़ जाने में मदद करो यार। मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज ये वीडियो जहाँ से जो भी देख रहा है, प्लीज लाइक करो ताकि व्यूज आए थोड़े बहुत, तो मैं कुछ तो पैसा आए। तो मैं भानगढ़ जाना मेरा ड्रीम है यार। भानगढ़ मेरे को जाना है एक बार, मुझे उस जगह देखना है बहुत ही ज्यादा। मेरे एकदम ऐसे हॉरर प्लेस ऐसे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हॉरर एंड थोड़ा भूत प्रेत वाली जगह है, महल वहल देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आज देखते हैं भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किले के बारे में सुना है, लेकिन उतना ज्यादा मैं इसके पीछे क्या हिस्ट्री है जानता नहीं। राजस्थान वाले जानते होंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी स्टेट में है। तो चलो वीडियो देखते हैं फिर। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। है इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है। भाई, बोल रहे हैं कि 500 साल पुराना है यार, 500 साल पुराना, और अभी भी देखो इतना अच्छा दिख रहा है। मतलब मैंने देखा है बहुत ज्यादा शूटिंग वूटिंग होता रहता है इस प्लेस में, लेकिन यार कुछ तो पता नहीं रहा भी होगा हॉन्टेड। तो लोगों ने और फ्लो फ्लो में वीडियो बनाकर न्यूज में और ही ज्यादा हॉन्टेड बना दिया उसको। कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है, और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भुतहा माना जाता है, ये सब हम हमारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा वान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई, और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो किला है वो रानी पद्मनी का था, मतलब रानी पद्मावती का था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरी स्टोरी पता नहीं है। सो कमेंट करके बताना यार कि क्या रानी पद्मावती का है क्या, जो फिल्म वाला बना था वही रानी पद्मावती जी का किला है क्या, मुझे पता नहीं। आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमय आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है, और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भुतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी।
कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस रत्नावती। समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार तो रानी पद्मावती का जो था ना, वो रानी पद्मावती का नहीं था, रानी क्या बताया, रत्नावती। हाँ, रत्नावती जी का महल है आई थिंक ये। राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंगिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा। और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, तांत्रिक इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या के ये तांत्रिक वाली स्टोरी मैंने सुनी है कि तांत्रिक ने कोई इत्र में मिलाकर और उसको क्या बोलते हैं, जो राजकुमारी को वश में कर लिया था शादी करने के लिए, बाद में तांत्रिक को मार दिया, तांत्रिक की आत्मा उस रहती है, ऐसा मैंने सुना था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये भानगढ़ किले के बारे में ही, ये जो ये स्टोरी है ये भानगढ़ किले के ही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि रानी पद्मावती जो है ना उनके बारे में ये किला है, पर नहीं यार, बहुत सारे किले हैं ना, बहुत सारी स्टोरी भी है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है यार स्टोरी। मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और राजकुमारी इत्र के शीशे लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र के शीशे पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंगिया सेवड़ा को इत्र के शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली, उन्होंने वो इत्र के शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। यार ये तांत्रिक वांत्रिक की स्टोरी सुन के ना मुझे भी डर लगने लगता है थोड़ा। एक्चुअली मेरा घर भी ना वैसे डरावना जैसे ही, देखो एक्चुअली मैं रहता हूँ छोटे घर में यार, मिट्टी वाले घर में, ये देखो ये भी टूटा फूटा है, और एक तो अकेला मैं रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा तो डर लग रहा है, पर कोई नहीं, वीडियो देख लेते हैं। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंगिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया तो था पूरी कि जो भी स्टोरी कोई उस इत्र तांत्रिक को की वजह लगाता से मतलब वो खुद ही हॉन्टेड उस हो गया ना आत्मा वो को सिंगिया प्लेस। की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंगिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों कहते हैं इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला मतलब राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए इतना कुछ किया बंदे ने, मतलब काला जादू किया, पत्थर पे गिर गया वो तो उसको मार दिया, सारा मतलब जिसको पाना चाहो उसको भी नहीं पाया, बेचारी वो भी मरी गई।
तांत्रिक लोगों ने भी क्या करने जाते हैं यार, क्या कर देते हैं ये लोग, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजर पर्सन होते हैं। साबित हो गया था, और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी, और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भुतहा होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली, तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए, और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो बाबा ने श्राप दिया, पर अभी तो बताया कि उस तांत्रिक ने श्राप दिया, इसी वजह से राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई और तांत्रिक भी मर गया, महल वहल पूरा भूतिया हो गया। तो फिर ये बाबा ने दोबारा श्राप क्यों दिया, जबकि राजकुमारी तो मर गई और तांत्रिक ने पहले श्राप दे दिया था, तो फिर बाबा ने श्राप क्यों दिया दोबारा? सोचने वाली बात नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टोरी के बारे में। यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है, और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली, और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भुतहा बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है, और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है, और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास। गवर्नमेंट ऑल्सो नो दिस प्लेस इज हॉन्टेड, इसीलिए उन्होंने बोर्ड लगाया है कि कोई भी भानगढ़ किले में रात में ना जाए। उनको कहीं ना कहीं मतलब लोगों ने अफवाह फैलाया है, मैं मानता हूँ थोड़ी चीजें हो सकती हैं पर हो रही होंगी, इसलिए ना लोगों को ज्यादा लोगों को पता है। और गवर्नमेंट ऑल्सो नो द सिचुएशन है, इसलिए उन्होंने बोर्ड लगाया है। मुझे ये प्लेस जाना है यार, प्लीज यार प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे ये जगह जाना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। बात करती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भूतहा है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताऊं, मुझे स्टोरी कुछ ठीक ही लगा, लेकिन भानगढ़ का किला यार अभी भी बहुत ही अमेजिंग है। और राजस्थान वाले यार, यू आर सो लकी कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार, अमेजिंग अमेजिंग चीजें। सो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी थोड़ी अर्निंग हो और मैं भी भानगढ़ जा सकूं। और अगर राजस्थान से लोग देख रहे हैं तो प्लीज इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं।